पर कैंप हुआ है। इस कैंप में अब काफ़ी सुबह से गर्दी दिख रही है, काफ़ी लोग यहाँ पर आए। किस बैनर तले ये कैंप हुआ है और किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है? भिवंडी के जो फार्मासिस्ट हैं और मेडिकल के ग्रुप है, ये फार्मासिस्ट वेलफेयर फोरम, ये उस टीम की तरफ से एक ये कैंप किया गया है। और भिवंडी शहर में और भी इससे पहले भी जो भी कैंप होते हैं किसी भी एनजीओ की तरफ से या कोई भी पार्टी की तरफ से, तो टीम को जब भी बुलाते हैं तो वहाँ उनका सपोर्ट करने के लिए पहुँचती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये खुद अपना एक मेडिकल कैंप कर रहे हैं और आज नोटबंदी से लोग बहुत परेशान हैं, खाना मंगाए कि दवा ले क्या है। उस तरीके से प्लान हुआ कि ये पहला मेडिकल कैंप यहाँ पर रखा गया है और हमने देखा कि करीब करीब 1000 के लगभग पेशेंट यहाँ पे आए हैं। और मैं पूरी टीम को और ख़ासतौर से जो इलाके के तमाम जो मौजूद शख्सियात हैं, नगर सेवक हैं, पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, राजू भाई हैं और सब लोगों ने सहयोग किया है, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये प्रोग्राम इसी तरह से आगे भी जारी रहेगा। राजू भाई हमेशा समाज सेवा में अग्रसर रहते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से कैंप भी है और भी काफ़ी सारे काम वार्ड में करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो राजनीति में है उसकी ये जवाबदारी है कि वो जनता के लिए हमेशा तैयार है। एक राजनेता वही बेहतर हो सकता है जो जनता के हर दुख सुख में शामिल रहे, और यही उसकी बड़ी कामयाबी होती है कि लोग उसको चुन करके देते हैं और उम्मीद भी ये करते हैं कि वो हमारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ये सबकी जिम्मेदारी है। सर, आज मेडिकल कैंप यहाँ पर गैबी नगर में रखा गया, गुलजार नगर में, क्या कहेंगे? कितने सुबह से कितने लोग इस सेवा का लाभ उठा पाए? इधर मैं थोड़ा लेट आना हुआ मेरा, लगभग 12:30 बजे मैं आया हूँ। तो मैंने यहाँ मालूम किया, अभी तक 1000 लोग यहाँ से मेडिसिन ले जा चुके हैं। किन किन चीज़ों का यहाँ पर इलाज हो रहा है, किस किन चीज़ों को मेडिसिन मिल रहा है? जनरल कैंप है, हर चीज़ का, ठंडी बुखार और बड़े इलाज जो है ऑपरेशन के इलाज हमको रिफर किया जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे भिवंडी वासियों को आपके यहाँ के? हर वार्ड में इसी तरह का कैंप होना चाहिए। ये एक शुरुआत है गुलजार नगर से और ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा काम करेगा।